बिहार में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के यहाँ कल सुबह 6 बजे से ही एनआईए की छापेमारी लगभग 20 घंटे तक चली। इस दौरान एनआईए की टीम ने घर की पूरी तरह से तलाशी ली। तलाशी के बाद एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें घर से 4.3 करोड़ रुपए बरामद करने की बात कही। इसके साथ यहां पर हथियार भी बरामद होने की जानकारी दी गई। यहां कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज भी बरामद हुए। एनआईए ने ये बताया है कि साल 2023 के अगस्त महीने में औरंगाबाद जिले से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे मिले इनपुट के आधार पर उस समय 6 लोगों को गिरफ्तारी की गई थी। तब से ये जांच लगातार चल रही। मनोरमा देवी के गाँव के अंदर 3 किसानों की यहाँ छापेमारी की गई। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। वही छापेमारी होने की पूरी होने के बाद एमएलसी मनोरमा देवी मीडिया के सामने आई। उन्होंने मीडिया कर्मी को बताया कि अचानक सुबह 6 बजे एनआईए की टीम अधिकारियों के साथ मेरे घर पर पहुंची और तलाशी लेने लगी। हम लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया। इसके अतिरिक्त गया के बाके बाजार गाँव में मौजूद सिमरन ट्रेवल्स के कार्यालय एवं इसके मालिक के आवास में भी एनआईए ने छापेमारी की है। इसके मालिक द्वारिका यादव यहां एक बड़ी संख्या में कागजात की जांच की गई। पेन ड्राइव, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सहित अन्य सामानों को जब्त किया गया। द्वारिका यादव का भी नक्सलियों से पुराना साठगांठ बताया जा रहा। इनकी गाड़ियों का भी नक्सलियों ने कई बार उपयोग किया था और साथ ही नक्सलियों को आर्थिक मदद पहुंचाने में भी इनकी अहम भूमिका बताई जा रही है। तो वहीं पर पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है। उनका बेटा रॉकी यादव गया के बहुत चर्चित रोड रेल्स केस का मुख्य अभियुक्ता है। कुछ साल पहले सड़क पर साइड नहीं देने के कारण रॉकी ने एक युवक को गोली मार दे दी, इससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में वो काफी समय से जेल के अंदर बंद था। बाद में हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में उसे निर्दोष पाया गया और बाइज्जत बरी किया गया। फिलहाल वह अपने पिता की ठेकेदारी से जुड़ा व्यवसाय संभाल रहा। उसके पिता का नाम भी नक्सलियों को हथियार और कारतूस सप्लाई करने के मामले में जुड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।